सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। एक्सरसाइज 15 सी स्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का इस वीडियो में कर रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज में लिया गया है, इस फॉर्मूले के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ और आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ टू सैम्पल ऑफ साइज 30 एंड 20 हैव मीन्स एज 55 एंड 60 एंड वेर इज एज 60 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट वुड बी द एचडी ऑफ द कंबाइंड सैम्पल ऑफ साइज 50। सबसे पहले देखो, आपको दो अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। एन वन फर्स्ट ग्रुप के टोटल ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं 30 और सेकंड ग्रुप एन टू के टोटल ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं 20। देन टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास हो जाएंगे n1 प्लस n2 30 प्लस 20 टोटल आ जाएंगे 50। ओके, अब देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए जो आपका मीन, फर्स्ट ग्रुप के लिए मीन आपको दे रखा है 55, देन x1 बार आपको गिवन है 55 एंड x2 बार आपको गिवन है 60 एंड द वेरियंस सिग्मा फर्स्ट जो वैल्यू आपको दे रखे 16 और सिग्मा टू आपको सेकंड ग्रुप के लिए जो वेरियंस दे रखे 25, देन s1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ग्रुप के लिए HD, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। देन 16 का मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 एंड s2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 और मेरे पास वैल्यू सेकंड ग्रुप के लिए HD की वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है s2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमको कंबाइंड HD निकालना है तो कंबाइंड HD का सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए। n1 s1 square plus n2 s2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square upon n1 plus n2, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर दोबारा आपको इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर हमारे पास n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, s1 और s2 की वैल्यू ऑलरेडी है, n1 n2 की वैल्यू हमारे पास है, हमको चाहिए d1। देखो d1 जो होगा वो होगा x1 बार माइनस x बार, मतलब टोटल मीन आपको फाइंड करना पड़ेगा x बार। अब देखते हैं x बार कैसे निकालते हैं। x बार की जो वैल्यू टोटल मीन जो होगा वो होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी रखी है, आप 30 दे रखी है, 30 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 55 से। फिर n2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 20 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 से अपॉन 30 प्लस 20। एवरेज मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1500 1650 प्लस 6 × 2 = 1200, ये आ जाएगा हमारे पास 50 या 6 × 2 = 8 50 और 2 2850 / 50, तो ये 5 × 5 = 25 5 × 7 = 35, तो मेरे पास टोटल मीन जो आया वो आया 57। देन d1 की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं x1 बार मतलब 55 - 57, देन -2 आ जाएगा। इसी तरह से d2 हमारे पास आ जाएगा x2 बार माइनस x बार, x2 बार का मतलब सीधी सी बात है 60 - 57, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। सभी वैल्यू हमारे पास है, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम आगे सोल्व करते हैं। n1 की वैल्यू हमारे पास है 30 और s1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है सीधा सीधा 16, ओके, प्लस n2 की वैल्यू मेरे पास है 20 इंटू, इसको मैं इंटू लिख देता हूँ 25, बिकॉज वेरियंस जो है s स्क्वायर होता है
प्लस अगेन एन वन को मल्टीप्लाई करूँगा डी वन स्क्वायर से माइनस टू के होल स्क्वायर से, और फिर 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के होल स्क्वायर से। अपॉन क्या जाएगा आपके पास एन वन प्लस एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सभी की सभी वैल्यूज आपके सामने हैं, अब मैं इनको इजीली सॉल्व कर दूँगा तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखते हैं कैसे इसको करते हैं। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो देखो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए 480, 16 43, 25 दुनी 50 500, दून चार चार तीन 12 120, और तीन तीन नौ दुनी 18 180 अपून 50, और इस सभी का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 300 800 1280। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सोल्व, 1280 अपॉन 50, इसे मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 5 दुनी 10 5 पंजे 25 और 5 छिक 30, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो 25.6 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, 25.6 का। और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.0596, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 5.06। ठीक है, और 5.06 हमने देखा कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 5.06 ऑप्शन बी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का इससे भी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, वो आपने इजीली सीख लिया होगा, और इस तरह से कंबाइंड एसडी आपको कैसे निकालना है वो भी आपने अच्छे से सीख लिया। तो सभी स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, ऐसे लगातार मेहनत करते हैं। अब इस एक्सरसाइज के केवल 2 ही क्वेश्चन आपके सामने बच गए हैं, उनको भी मैं सोल्व कर दूँगा तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ जाएगी। तो लगातार मेहनत करते रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें। सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट और थैंक यू।